जय हिंद वंदे मातरम साथियों। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर क्षेत्र के गांव चकपर के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान चित्रंजन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कल इनका पार्थिव शरीर सीआरपीएफ के विशेष वाहन से तिरंगे में लिपटकर इनके पैतृक गांव चकपर लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। आपको बता दें कि इनके अंतिम विदाई में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहीं भारत माता के जयकारों के बीच इनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि शहीद के अंतिम दर्शन शहीद परिजनों को करवाए जा रहे हैं। ये भावुक पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ भारती के लाल के अंतिम दर्शन जो है उनके परिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्थानीय लोग एक दूसरे को संभालते हुए दिख रहे हैं। माँ भारती के लाल ने झारखंड के चतरा में रहते हुए भारत माता की सेवा की और वहीं एक नक्सली हमले में वे गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बिहार के लाल के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। बिहार से आए दिन माँ भारती के लाल वीरगति को प्राप्त होते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार वीरों की भूमि रही है, जिस भूमि पर रोज किसी न किसी वीर जवान का बलिदान देता आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहीद को सैन्य सम्मान दिया जा रहा है। अब बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान चित्रंजन सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी जा रही है। माँ भारती के लाल के चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हैं। शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। पार्थिव पैतृक गांव पहुंचते ही हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देख हर किसी की आंख नम हो गई। जय हिंद, जय भारत।